वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैंने बनाया है पेशावरी मटन चपली कबाब। ये बनाने में बहुत आसान है, बस सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ऐड करना है, मिक्स करना है और फ्राई कर देना है। ऐड, मिक्स एंड फ्राई। तो अगर आपको भी ये बनाना है तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने 250 ग्राम मटन खीमा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, आधा चम्मच मैं इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ, आधा चम्मच क्रश रेड चिली, फिर इसमें जाएगा एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चॉप ऑनियन, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच बेसन, इसमें हम डालेंगे अनारदाना। ये मैंने अनारदाना लिया था और इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया, ये एक टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया, एक फेटा हुआ अंडा हम इसमें डाल देंगे, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। सबसे पहले हम हाथों पे ऑयल लगा के हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, फिर इसका छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, फिर इसे इस तरह से फ्लैटन कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम एक टमाटो का स्लाइस रख देंगे, इस तरह से इसे हल्के हाथ से इसके ऊपर दबा देंगे। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। हम इसे टर्न करेंगे, ये फ्राई हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। रेडी है हमारे मटन चपली कबाब। कबाब की बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये चपली कबाब पेशावर की पहचान है और बहुत ही डिफरेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।